डियर स्टूडेंट्स, जब आपको बात करनी हो, मैं कर सकता था, मैं खेल सकता था, मैं आ सकता था, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइए लेते हैं फॉर्मूला और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आई प्लस कुड प्लस एक्शन। मैं कर सकता था, आई कुड डू। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं बात कर सकता था, आई कुड टॉक। मैं देख सकता था, आई कुड सी। मैं जा सकता था, आई कुड गो। एंड डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे जिसके लिए एक फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? आई प्लस कुड प्लस नॉट प्लस एक्शन। मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं देख सकता था, आई कुड नॉट सी। मैं नहीं ले सकता था, आई कुड नॉट टेक। मैं नहीं भेज सकता था, आई कुड नॉट सेंड। आइए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस आप पर भी बनाते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? यू प्लस कुड प्लस एक्शन। आप जा सकते थे, यू कुड गो। आप देख सकते थे, यू कुड सी। आप चेक कर सकते थे, यू कुड चेक। आप आ सकते थे, यू कुड कम। आइए स्टूडेंट्स, आप कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? यू प्लस कुड प्लस नॉट प्लस एक्शन। आप नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट गो। आप नहीं आ सकते थे, यू कुड नॉट कम। आप नहीं देख सकते थे, यू कुड नॉट सी। डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ सेंटेंसेस ही और शी के लिए भी बनाते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ही शी प्लस कुड प्लस एक्शन। वह आ सकती थी, शी कुड कम। वह देख सकती थी, शी कुड सी। वह रह सकती थी, शी कुड लीव। वह जा सकता था, ही कुड गो। वह आ सकता था, ही कुड कम। वह लिख सकता था, ही कुड राइट। वह खेल सकता था, ही कुड प्ले। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों का यूज करना है आपको, और एट लीस्ट आपको 13 सेंटेंसेस या 30 सेंटेंसेस बनाकर दिखाने हैं।